एक मित्र ने लिखा है, ध्यान क्या है कृपया इसे संक्षेप में बताने की कृपा करें। ध्यान है विचारों का ठहर जाना, अपनी जीवन ऊर्जा के प्रति सजग होकर अपने भीतर के केंद्र में, अपने भीतर के स्थिर स्टिल केंद्र में प्रवेश कर जाना ही ध्यान है। केंद्र स्थिर है और उसमें प्रवेश करने में कोई समय नहीं लगता, हाँ बस परिधि पर घूमे चले जाने में ही समय लगता है। केंद्र में प्रवेश समयातीत है, वो तो बस एक गहरी समझ के उदित होते ही घट जाता है। ये समझ भी हमेशा से तुम्हारे साथ है, लेकिन मन में उठते अनगिनत विचारों के कारण इतनी हलचल भीतर होती है कि ये केंद्र और ये समझ छुप सी जाती है। वास्तव में ध्यान एक गहरी समझ है, ये कोई क्रिया नहीं है। ये समझ न क्रिया साधने से आती है और न अक्रिया साधने से आती है। वस्तुतः कुछ भी साधना नहीं है। साधने की प्रत्येक कोशिश तुम्हें भविष्य में ले जाती है, जबकि ध्यान अभी और यहीं में होना है। समझ तुम्हारा स्वभाव है, वो स्वतः ही घटती है जब तुम विचारों के बादलों से तादाद में हटा लेते हो और चेतना के शाश्वत आकाश में ठहर जाते हो। विचारों का अवलोकन करते करते विचार ठहर जाते हैं और मन निस्तरंग हो जाता है, पारदर्शी हो जाता है। तब चेतना की गहरी समझ स्वतः ही प्रकट हो जाती है और केंद्र में तुम्हारा प्रवेश हो जाता है। यही ध्यान है।